हेलो एवरीवन, यह वीडियो सॉल्व चैनल आप देख रहे हैं स्टेट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेयरकेस की मॉडलिंग और उस पर कैसे स्लैब को मैचिंग किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेयरकेस डिज़ाइन। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं स्टेयर। लास्ट वीडियो स्लैब के बारे में थी, आप देख सकते हैं स्टेयरकेस। केवल इसमें मॉडलिंग है। मॉडलिंग का तरीका ये है, कोई भी स्टेयर आप एनालाइज और डिजाइन और मॉडलिंग कर सकते हैं इस तरीके से, जो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एक जनरल सा केस ले लेते हैं कि स्टेयर, जनरल स्टेयर की एक डिजाइन देख लेते हैं या उसकी डायमेंशन देख लेते हैं, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर व्यू देख लेते हैं। तो ग्रिड को हटा देता हूँ मैं, क्लीन विंडो में मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर आ रहा है आपका कंटिन्यूस। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लाइट, इसको फ्लाइट बोलते हैं, ऐसे हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। फिर यहाँ पे क्या मिला हमें, एक लैंडिंग, ठीक है, ये लैंडिंग है। इस लैंडिंग पर रुके, फिर दोबारा एक स्टेयर से हम ऊपर गए ऐसे, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ऐसे जाएंगे इसमें ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह की हम एक डॉगलेग स्टेयर बनाएंगे। तो स्टेयर की विड्थ लगभग 2 से 3 मीटर होती है, ठीक है। तो हम इसी को लेके ड्राइंग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने ग्रिड से बनाता हूँ। देखिए ग्रिड ली, टॉप व्यू लिया इसका, ग्रिड का यहाँ पे ग्रिड को चेंज कर लिया टॉप व्यू, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये हमारी फ्लाइट जा रही है, टॉप व्यू प्लान में देखेंगे, ये फ्लाइट ऊपर जाएगी फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ तक गई, ठीक है, फिर ये लैंडिंग आ गई, ये यहाँ तक हमारी, सॉरी अंडो कर लेते हैं दोबारा से, हमें बीम बनाने का कर्सर एक्टिवेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ तक, सॉरी दोबारा से, 3 और 3 6, ये यहाँ तक हमारी फ्लाई, वो है लैंडिंग है, ठीक है, और ये फिर यहाँ तक लैंडिंग है, फिर ये दोबारा फ्लाइट हमारी दूसरे फ्लोर पर जा रही है, ठीक है, और ये हमारी ऐसे इस तरह से है, शायद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसको डिलीट करके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम किसी भी स्टेयर का टॉप व्यू देखते हैं तो कैसे दिखाई देती है। तो और मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे टॉप व्यू में, इस तरह से टॉप व्यू में ग्रिड में ही बना रहा था कि ये बनाई लाइन, फिर ये बनाई, फिर ये बनाई, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, 200 mm का बीच में गैप ले लेंगे हम, ठीक है, और इसको ले लेंगे 1 मीटर, ये ले लेते हैं 2 मीटर, मतलब इसी तरह की कुछ डायमेंशन हम ले लेते हैं, ठीक है, टॉप व्यू बना लेंगे, फिर उसको कैसे हम चेंज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बनाया 7 मीटर, फिर हमने लैंडिंग बनाई, ठीक है, फिर ये हमने ये इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, हम कितना 2 मीटर रख रहे हैं हम विड्थ स्टेयर की, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद हम 200 mm का बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं जेड में, 0.2 या 0.2, ठीक है, लिंक ये रहा, ठीक है। और अब दूसरी स्टेयर जो ऊपर जा रही है वो भी हमारी कितने की है, 2 मीटर की,
साइड में 2 मीटर, ये आ रहा है। ग्रिड को हटा देता हूँ तो आपको सही दिखाई देगा, देखिए। अब इसमें क्या है, तो ये बीम नहीं होगा, ये कनेक्ट होंगे तो ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे कैसे जाएगी, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों बीम नहीं होंगे यहाँ पे, तो ये जॉइंट बन चुके हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। बताया होगा मैंने मर्ज करना, आपको ज्योमेट्री में जाना है और आपको मर्ज और यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अगर हम इसका आइसोमेट्रिक भी देखें तो ये बिल्कुल एक प्लेन है, जबकि ये स्टेयर हमारी जा रही है, ये वाली फ्लाइट जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे, फिर ये लैंडिंग आती है, उसके बाद ये जा रही है हमारे सेकेंड फ्लोर पे, और हमारे फ्लोर की हाइट मान लीजिए 3 मीटर। देखो कैसे करेंगे, नोट कर्सर से नोट कर सर लेके देखिए, ये जो हमारी स्टेयर है, ये वाली फ्लाइट है ना, ये तो ये यहाँ पे तो ये फिक्स होगी ग्राउंड से, और ये जाएगी आपके कहाँ पे, मान लीजिए आपका एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ से स्टेयर ये 3 मीटर का है, तो यहाँ से स्टेयर जाएगी आपकी 1.5 मीटर पे, फिर आपकी 3 मीटर पे दूसरी फ्लाइट पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको 1.5 मीटर पे जाते हैं। जैसे इस जॉइंट पे मैंने क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे से कोऑर्डिनेट दिखा देता हूँ, वाई में मैं कर देता हूँ 1.5 एंटर, फिर इस जॉइंट पे क्लिक करता हूँ 1.5 एंटर, फिर इस जॉइंट पे क्लिक किया मैंने 1.5 एंटर, इन सभी जॉइंट का मैं वाई कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। ये तो ये फ्लाइट हमारी 1.5 मीटर पे गई, अब ये फ्लाइट मेरी जाएगी ऊपर 3 मीटर पे, ठीक है। तो इस जॉइंट का मेरे को वाई करना है 3 मीटर और इस जॉइंट का करना है वाई 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये फ्लाइट हमारी गई, फिर ऐसे हम ऊपर चले गए, फिर यहाँ पर भी ये कहाँ पहुँचेगी हमारी, इस तरह के लैंडिंग पर, और फिर और ऊपर जाएगी, या फिर मान लीजिए किधर किसी और तरफ जा रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होंगे हमारे कॉलम, देते हैं कॉलम 3 मीटर में, ठीक है। और यहाँ पर भी ये कॉलम होंगे, वैसे एक बीम होता है उसके ऊपर ये रेस्ट करते हैं, ऐसे देखेंगे तो इस तरह से कुछ गड़बड़ हुई है। ये यहाँ पे है हमारा 0 और यहाँ पे हमने करा था 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। गड़बड़ ये हुई है कि ये वाले कॉलम जो होंगे ये होंगे आपके 1.5 मीटर वाई में, और ये वाले कॉलम जो होंगे 3 मीटर, तो कुछ इस तरह से हमारा ये एलिवेशन दिखेगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, अब नीचे हम लगाए थे सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, अब यहां पर जो हमारी बनेगी वो स्लैब बनेगी, ठीक है। तो हम स्लैब ले लेते हैं, ट्रायंगल साइड टाइम हमारी, इस पर होल्ड किया, ये रेक्टेंगल आ गया, इस पर क्लिक किया और हमने ये, और एक स्लैब हो गई हमारी, एक स्लैब हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसे 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमारे, ठीक है। यहाँ पर बीम की जरूरत नहीं है,
ठीक है, अब हम बीम कॉलम को भी प्रॉपर्टी दे देते हैं, अभी ए की प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है, केवल समझने के लिए। अब क्या करना होगा हमें, जो स्लैब है हमारी उनको मैशिंग करनी होगी। तो स्लैब की मैशिंग, स्लैब स्लैब कर्सर से फिर राइट क्लिक करके जनरेट मैश और ओके, क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम इस तरह से, थिकनेस दे देते हैं मान लो 150 mm की है, ठीक है, और असाइन टू व्यू ये हो गई। अब इस पर हम लोड दे देते हैं, तो लोड एड, एक तो होगा डेड लोड जिसका खुद का वेट होगा, एक लाइव होगा जिसके ऊपर लोग चलेंगे। डेड में आता है सेल्फ वेट, और आपका लाइव में आता है जो उसके ऊपर लॉक चलेंगे, प्लस पे जो स्टेप बनेंगे, स्टेप डिजाइन नहीं होते, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि -3.5 जीवाई में, और इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है, बस इसको एनालाइज कर देते हैं। डन, अब इसमें स्ट्रेसेस देख लेते हैं कैसे जनरेट हो रहे हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, डन, प्लेट मैक्सिमम एब्सोल्यूट, ओके। तो इस तरह से स्ट्रेसेस जनरेट होगी। तो इस तरह से आप कोई भी स्टेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टेयर का। तो अगर वीडियो पसंद आई है, कोई भी इंक्वायरी कुछ भी आप चाहते हैं जानना कि इसमें ये चीज़ नहीं बताई गई है, ये चीज़ कैसे होगी, तो आप मेरी वेबसाइट engineers4civil.com पे जा सकते हैं, या फिर आप इसी यूट्यूब की वीडियोस पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।